मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। परिवार, देश और लोकतंत्र, उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर निशाना, विरोधियों को इस तरह दिया जवाब। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी अपने परिवार को बचाने आए हैं, यह देश हमारे लिए परिवार है, हम देश को बचाने आए हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विपक्षी दलों के गठबंधन की आलोचना कर रहे थे। आलोचना की गई कि विपक्षी दल अपने परिवार और पार्टी को बचाने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने उस आलोचना का नाम लेते हुए जवाब दिया। क्या बोले उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह देश को बचाने की लड़ाई है। हालांकि हमारी पार्टियां अलग अलग हैं, फिर भी हम एक साथ आए हैं। अलग अलग विचार रखना ही लोकतंत्र है। हालांकि हमारे विचार अलग अलग हैं, फिर भी हम एक साथ आए हैं। उसके कुछ कारण हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी अपने परिवार को बचाने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह देश हमारे लिए एक परिवार है, हम देश को बचाने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। ठाकरे ने आगे कहा कि हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम सत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। देश के नागरिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि हम देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि विपक्षी दलों के गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक की तारीख अगले कुछ दिनों में घोषित कर दी जाएगी। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का भारतीय गठबंधन। बेंगलुरु में आज हुई विपक्ष की बैठक में 26 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया घोषित किया है। गठबंधन का नाम आई इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, आई से इंक्लूसिव एंड ए से अलायंस होगा।